अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे SQ3R रीडिंग टेक्निक। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक राइटिंग नोट है जिसके बारे जिसमें SQ3R के बारे में डिस्कशन की गई है। बेसिकली आपको इसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये क्या मेथड है, ये इसका क्या मेन पर्पज़ है। बेसिकली SQ3R एक शॉर्ट फॉर्म है, एक वर्ड है जिसमें फर्दर स्टेप्स आते हैं। जैसे आपको सामने समझ आ रहा होगा, इनिशियली जब आपने SQ3R में को गो थ्रू करना है या स्टडी करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी इमर्जन कहाँ से हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि SQ3R बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है जब एक स्टूडेंट की रीडिंग स्पीड को एफिशिएंट करना होता है या उसकी रीडिंग एबिलिटी को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में डेवलप करना होता है, तो SQ3R मेथड जो है वो फोकस करवाया जाता है। SQ3R इज अ रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेथड नेम फॉर इट्स 5 स्टेप्स: सर्वे, क्वेश्चन, राइट, रीसाइट, रीसाइट भी कहा जाता है, रिकॉल भी कहा जाता है, एंड रिव्यू। नाउ कम्स टू द इमर्जन कि इस मेथड को किसने ओरिजिनेट किया था या ये मेथड कहाँ से आया था या इसका बर्थ कहाँ से है। द मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांस बी रॉबिसन, एन अमेरिकन एजुकेशन फिलोसफर, इन हिज बुक 1946। बुक नेम वॉज इफेक्टिव स्टडी। ये मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये रीडिंग स्किल का, इसलिए आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। नाउ कम्स टू द मेजर डिस्कशन। द मेथड ऑफर्स अ मोर एफिशिएंट एंड एक्टिव अप्रोच टू रीडिंग टेक्स्ट बुक मटीरियल। इसका ये मतलब है कि ये मेथड आपके पास स्टूडेंट्स में को तब असाइन करवाया जाता है जब उस उन स्टूडेंट्स को आपने कोई एक गिवन मटेरियल दे दिया जाता है कि हाँ जी अब आपके पास ये गिवन मटेरियल है एंड यू हैव टू रीड अकॉर्डिंग टू द SQ3R मेथड। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स के पास जब एक मटेरियल आ जाता है वो उस मटेरियल को जब रीड करने से पहले ये SQ3R को फोकस रखते हैं और SQ3R की रीडिंग वो उसके इन 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इन दिस प्रोसेस और इन दिस सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रीडिंग बाय विच द रीडिंग स्पीड एज वेल एज द कम्प्रीहेंशन एबिलिटी कैन बी इन्हांस्ड थ्रू दिस प्रोसेस, मीन्स थ्रू SQ3R प्रोसेस। इन द फर्स्ट स्टेप सर्वे मीन्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन, टू गैदर द ऑल द बेसिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज इज कॉल्ड टू बी सर्वे। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू दैट इट मीन्स गैदर अ जर्नल आइडिया ऑफ द टॉपिक बाय स्कीमिंग थ्रू अ चैप्टर एंड नोट हैडिंग, सब हैडिंग्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग फीचर्स सच एज फिगर्स, टेबल्स, etc. इसका मतलब है कि सर्वे का मतलब ये है कि आप इन सर्वे प्रोसेस जब आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, जब आपने सर्वे करना है उस रीडिंग मटेरियल से, तो आप उनकी स्कीमिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, मींस आप उसकी हेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, उसके चैप्टर के थ्रू कर सकते हैं, उसके फीचर्स हैं, टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, साइंस हैं, उनसे भी आपका सर्वे का जो प्रोसेस है वो फुलफिल हो सकता है, मींस उससे आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप understands the outline structure framework of what will be presented. second thing है, आप survey outline से भी कर सकते हैं। framework means the strategy of the reading material, जो आपके पास एक given reading material है उसकी आप framework, उसकी structure, उसकी outlining से भी आप अंदाजा या उसका main idea ले सकते हैं। comprehends the content to be readed, आप उसके कंप्रीहेंड भी कर सकते हैं जो उनके कंटेंट होते हैं रीडिंग से। आइडेंटिफाई हाउ द ऑथर हाईलाइट्स द की पॉइंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ड्रॉज ऑन प्रियर इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कंटेंट। बेसिकली सर्वे का मतलब यही है कि आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैदर करें, मेन आइडिया लें और
अपना माइंड जो है वो हर किस्म के डाउट, हर किस्म की एम्बिग्यूटी से फ्री करें, तभी आपका सर्वे प्रोसेस जो है वो फुलफिल होगा। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ द SQ3R, मींस सर्वे करना है आपने अपना रिटन मटेरियल को जो आपके सामने है, जिसको आप रीड आउट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, दिस सर्वे कैन बी डन थ्रू गेज टाइम एंड एफर्ट नीडेड टू मास्टर द इंफॉर्मेशन बाय मेजरिंग हाउ वेल दे ऑलरेडी नो। सेकंड थिंग, डिटरमाइन द बेस्ट वे टू लर्न द वेरियस सब टॉपिक्स बाय चूजिंग एन एफिशिएंट रीडिंग टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल नोट मेकिंग, हाईलाइटिंग एंड विजुअलाइजेशन। क्लास, फर्स्टली नोट मेकिंग मीन्स, ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का एक टेक्निक है। जब आप कोई चीज़ लर्न करते हैं या कोई चीज़ न्यू आपको पढ़ाई जाती है या समझाई जाती है, तो आप में से कुछ ऐसे कॉमनली होंगे स्टूडेंट्स या लर्नर्स वो लिख लेते होंगे फ़ौरन, जिस तरह एक हैबिचुअल होता है, कोई आपके सामने कोई लेक्चर लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, आपके सामने बोल रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप उसको मेमोरी के लिए लिख लेते हैं फॉर फाइनल टर्म, फॉर योर एग्जामिनेशन परसेप्टिव के लिए। तो जो आप वो लिख रहे हैं वो आपकी नोट मेकिंग टेक्निक होगी, मीन्स टू मेमोराइज इन अ फ्यूचर यू सपोज टू राइट समथिंग। Then comes to consider what the author wants the reader to understand in this chapter, gain the discipline to see the bigger picture so as to understand the larger mission of the course. ठीक है, यहाँ ये एक आपका method है जो आपको survey करने में आपकी help करता है। After doing survey of the written text, second step of SQ3R is question. This involves the students forming questions to be answered during reading. ये बहुत commonly है, अगर आप अपनी intention से reading कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो understood बात है आपके mind में questions आते रहेंगे कि आप ये क्यों पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, इसका लिखने का मकसद क्या है, what are the rules behind that, क्या या author ने या जो writer है उसने किस intention से क्या लिखा होगा। Means आप अपने mind में ही इसके माइंड मैप्स बना लेते हैं, मींस अपने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं कि जो आप रीड कर रहे हैं उसकी इंटेंशंस क्या हैं, उसका रोल क्या है, उसका पर्पस क्या है रीडिंग का। तो ये सेम वही है क्वेश्चन, प्रिडिक्शंस इसमें होती है। प्रिडिक्शंस आर मेड अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन द चैप्टर बींग रेड। प्रिडिक्शन मीन्स आप अजम्पशंस लगाते हैं, अपने अंदाजे लगाते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं, क्वेश्चनिंग होती रहती है, आप लिंकेज भी बनाते रहते हैं कि हाँ जी ये जो आपने पढ़ा है उसके जो आगे जो आप फर्दर स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह कोरिलेट किया जाता है। लिंक्स बिटवीन द चैप्टर जनरल टॉपिक एंड द ओवरऑल कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली क्वेश्चन जो आपका सेकंड स्टेप है क्वेश्चन का, वो है आपके माइंड लेवल के साथ कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं आप कितने अटेंटिव होके पढ़ रहे हैं और आप किस तरह उनके लिंकेज बना रहे हैं, उनकी प्रिडिक्शंस, उनकी अजम्पशंस, आप एक लाइन को किस तरह दूसरी लाइन या तीसरी लाइन के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। Why ask questions? ये क्वेश्चंस क्यों रेज किए जाते हैं या क्यों आपको कहा जाता है कि SQ3R में क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, अपने माइंड वाले क्वेश्चंस आपने कंस्ट्रक्ट करके लेके आने हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है टू मोटिवेट रीडर टू सीक आंसर्स, प्रमोट फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली कहने का मकसद इसलिए है कि आपने क्वेश्चंस लेके आने हैं, वो इसलिए कि इससे आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, और ज़्यादा क्रिटिकल और कॉन्टेक्स्चुअल होती जाएगी। क्रिएट्स एन एफर्ट टू एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट व्हाट एन ऑथर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ये आपका यहीं तक काफ़ी है, मीन्स आपने फर्स्ट थ्री स्टेप्स करने हैं। वाई आस्क द क्वेश्चंस। Now there are the places where to get the questions. अब कुछ ऐसी certain spaces आती हैं जब आप कोई reading material कर रहे होते हैं, जब आप full fledged कोई textbook read कर रहे हैं या कुछ आप अच्छी खासी material में कोई चीज़ आप read कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं जो आपके mind में जो आपको question करने पर मजबूर करती हैं? Previous knowledge means historical knowledge must be placed. Table of contents,
chapter learning objectives, topic headings, chapter summary, questions the author provides, practical correlates if any. ये कुछ आपके ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जब आप कोई चीज रीड कर रहे हैं, फुल फ्लेज जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं टू रेज क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ इफ यू वांट टू कोरिलेट योर रीडिंग थ्रू आउट द रीडिंग मटीरियल. आई एम गोइंग टू रिकॉल द होल लेक्चर. SQ3R is a systematic process of reading by which reading speed as well as comprehension understanding can be enhanced. In the first step, the reader collects the general information through survey of the text. It is some sort of skimming in its nature. The reader looks at the layout, titles, subtitles, tables of content and illustrations. In the second stage, the reader makes questions in his mind related to the text. It is to make sure that he is going to involve in a purposeful study and will try to find out the answers of the questions arising in his mind. यहाँ तक आज हमने हाफ ये टॉपिक कंसर्न कर लिया है. इससे रिलेवेंट कुछ भी आपको एम्बिग्यूटी, कुछ भी आपको मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन रीड दिस थॉरली एंड यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SQ3R मेथड. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हाफ सेगमेंट पढ़ाया था टिल क्वेश्चन सेगमेंट तक. आज हम पढ़ेंगे रीड. SQ3R में R1 मींस टू रीड. रीडिंग, एक्टिव रीडिंग इज द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ SQ3R. बेसिकली अंडरस्टूड बात है कि जब आप रीड करते हैं तो यू हैव टू इंडल्ज योर माइंड एंड योर अटेंशन टूवर्ड्स द रीडिंग टेक्स्ट. तो ये भी वही सेम चीज़ है कि आपकी एक्टिव रीडिंग तब होगी जब आप पूरी फोकस, पूरी अटेंशन देंगे उस रिटन मटेरियल को. उसी तरह SQ3R में भी रीड जो है आपका मेन फोकस या मेन कंपोनेंट आपका SQ3R का रीडिंग पोर्शन होगा. सेकेंड थिंग, रीडिंग एक्टिवली मीन्स रीडिंग इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड अंडर क्यू सेगमेंट. मीन्स हेयर द वर्ड क्यू मीन्स द प्रीवियस सेगमेंट क्यू यू हैव पास फ्रॉम दैट. द ऑपोजिट इज पैसिव रीडिंग वेयर देयर इज मेयर इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट विद द स्टडी मटीरियल. ये है आपका रीड मेथड. मीन्स के जब SQ3R में आप वर्कआउट कर रहे हैं, SQ3 आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें रीड का पोर्शन कितना ज़रूरी है या कितना वाइटल कंपोनेंट है वो पूरे इस मेथड में. ऑपोजिट इज पैसिव मींस के आपने दोनों चीज़ों को रखना है अपने माइंड में कि रीडिंग नो डाउट एक्टिव मेथड भी है और पैसिव मेथड भी है. एक्टिव इसलिए कि इसमें आपका माइंड, आपके पूरे जो लेवल ऑफ बॉडी हैं वो आपके इंडल्ज होते हैं. और सेकंड, पैसिव इस तरह कि जब आप रीड कर लेते हैं उस मटेरियल को, जो आपके उससे रीडिंग मटेरियल से जो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हुए हैं उसको आप कहेंगे कि पैसिव हैं और वो स्टोर होते रहेंगे आपके माइंड में. देयर कम्स अ सर्टेन पॉइंट्स व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द रीडिंग प्रोसेस, रीडिंग एक्टिव रीडिंग प्रोसेस. दैट मीन्स कंटिन्यूस असेस कम्प्रीहेंशन बाय रिसाइटिंग ईच सेक्शन बिफोर मूविंग ऑन. कि आपने जिस तरह आप रिसाइट करते हैं कोई चीज़, तो वो कह रहे हैं कि दोबारा से कंटिन्यूस रखनी है आपने, कि जो आपने प्रीवियस सेक्शन किया है उसको कनेक्शन, उसका बिल्डअप रखना है टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. रिकॉग्नाइजिंग व्हेन कम्प्रीहेंशन बिगेन्स टू डिक्लाइन इन ऑर्डर टू एडजस्ट मैथड और स्पीड ऑफ रीडिंग. Another point is make brief notes in the reading material and more detailed notes in a notebook to summarize and emphasize information. Yes, here comes a most important and the most significant point of the reading process. कि जब आप read करते हैं आपका mind work कर रहा है, no doubt. आपका, आपकी जो सारी intentions हैं, जो आपकी interpretation है, जो आपकी understanding power है, वो आपकी enhance हो रही है कि जिस तरह आप पढ़ते जा रहे हैं. लेकिन आपने जो वो पढ़ लिया है उसको किस तरह आप मेमोरी में शार्प अप करेंगे, वो आपकी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि जब आप उसके ब्रीफ नोट्स बनाएंगे और आप उसको डिटेल, उसको आप नोट करेंगे किसी जगह पे जाके इन योर ऑन वर्ड्स मींस इन ऑन योर नरेशन, वो इससे ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन जो आप लेंगे उधर से वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी.
एक और इसमें बहुत प्लस पॉइंट है कि लोकेट मेन कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप्स एंड एग्जांपल्स टू कंसीडर हाउ द ऑथर एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एंड यूज दैट टू आंसर योर क्वेश्चंस. ये आपने मेक डाउन कर, शो डाउन कर लिया कि आपने नोट्स में समरीज आपने बना ली. उसके बाद सेकंड थिंग है कि आपने लोकेट करनी है वो कॉन्सेप्ट्स, वो रिलेशनशिप्स जो एक राइटर या एक ऑथर ने उस मटेरियल में आपको दिया है और जिसके अकॉर्डिंग आप वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जो आपके माइंड में ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस इम्पोज हो रहे हैं. इंगेज ऑथर्स आइडियाज़ बाय रिलेटिंग टू द प्रीवियस टॉपिक्स थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ सिमिलरिटीज. यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपने एक और चीज़ होती है कि आपने जो पढ़ रहे हैं, जो प्रेजेंट आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह कोरिलेट करेंगे प्रीवियस मटेरियल के साथ. ये बहुत कॉमन एग्जांपल है. अगर आप कोई और एग्जांपल लें, जिस तरह हम कोई एक ड्रामा देखते हैं और आप कहते हैं कि यस इसकी स्टोरी तो प्रीवियस उस ड्रामे के साथ सिमिलर है, तो सेम इज़ द केस विद द रिटन मटेरियल कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आप उसको कहते हैं कि ये हमने ये कॉन्सेप्ट हमने उस ऑथर के साथ इस तरह पढ़ा था, तो अब जो वो कोरिलेट कर रहे हैं उसकी सिमिलरिटीज़ को, तो ये बहुत ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट है कि आपको समझ आ रही है ये सारी चीज़ें और आपकी मेमोरी कितनी शार्प है टूवर्ड्स द रीडिंग प्रोसेस. लास्ट वन इज़ आइडेंटिफाई न्यू वोकैबुलरी, लोकेट एंड रिकॉर्ड इट्स मीनिंग. नो डाउट जब आप कोई चीज़ पढ़े होते हैं को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी वोकैबुलरी को फोकस करें. हमारी वोकैबुलरी भी थ्रू रीडिंग इन्हांस होती है, थ्रू रीडिंग इंक्रीज होती है हमारी पावर ऑफ रीडिंग. तो जितनी न्यू वोकैबुलरी आप आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे और उस उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे, ये भी आपकी एक्टिव रीडिंग प्रोसेस में वर्कआउट करेगा. Now comes to the second last segment of the SQ3R method, that is called recite. रिसाइट मीन्स, आपको जिस तरह कॉमनली पता है रिसाइट मीन्स कि जब रिसाइट करते हैं तो उससे क्या होती है, रिसाइट में आपकी रिटेंशन पावर बहुत इन्हांस होगी. रिटेंशन मीन्स आपकी मेमोरी शार्प होगी. तो रिसाइट इसलिए किया जाता है, रिकॉल या रिव्यू इसलिए दिया जाता है कि आप उसको मेमोराइज करें, जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से मेमोराइज करें इन योर ओरल फॉर्म टू इम्प्रूव कॉम्प्रीहेंशन एंड अ लॉन्ग टर्म रिटेंशन बाय इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट हैज़ बीन रेड. स्टूडेंट कॉन्सेप्चुलाइज मटीरियल इन दियर ऑन वर्ड्स. जब आप रिसाइट कर लेते हैं तो आपने अपने वर्ड्स में वो सारा रिकॉल करना है ताकि आपको पता चले कि आपने ये चीज़ पढ़ ली है और वो चीज़ आपके माइंड में प्रिपेयर है. रिकॉलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू आंसरिंग क्वेश्चन इन ईच इन द सेकेंड स्टेज, मे बी ओरल अ डिस्कशन और अ रिटन फॉर्मेट. ये आप पे डिपेंड करता है, इंटरप्रेटर पे एज अ स्टूडेंट, कि वो क्या चीज़ करे, ओरली उसको रिसाइट करे, डिस्कशन फॉर्म में करे और इन अ रिटन फॉर्म. नाउ कम्स टू रेसिटेशन प्रोसेस टू रिसाइट समथिंग. कैन यू चेक योर क्वेश्चंस फॉर द सेक्शन, इफ नो लुक बैक एंड फाइंड द आंसर्स. इस प्रोसेस में ये रिसाइट प्रोसेस ही चल रहा है, मीन्स R2 चल रहा है SQ3R मेथड में. इस प्रोसेस में आपने कंफर्मेशन करनी होती है कि अगर ऐसा कोई पॉइंट आया है जब आप रिकॉल कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इसका आंसर हमें माइंड में नहीं आ रहा या हमें लगता है कि कुछ स्किप हो गया है, तो वहीं पे आप पॉज करें, लुक बैक एंड फाइंड द आंसर, चेक योर रिकॉलिंग रिकॉल अगेन. इससे क्या होगा, जब आप पॉज लेंगे रिकॉल प्रोसेस में और दोबारा से आप उस पॉइंट पे जाएंगे और दोबारा से वो चीज़ रिकॉल करेंगे, तो आपका रिकॉलिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्टिव होता है टूवर्ड्स लर्निंग प्रोसेस. समराइज द इंफॉर्मेशन इन योर ऑन वर्ड्स, राइट आंसर्स टू योर गाइड क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक मार्जिन. इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होती है टूवर्ड्स द रिकॉलिंग प्रोसेस. कम्स टू द फाइनल पॉइंट एंड द मेन बैकबोन ऑफ द प्रोसेस इज रिव्यू. जब आप कोई चीज़ इन सारे सेगमेंट्स में ले जाते हैं रीडिंग प्रोसेस में, तो आखिरी आपके पास पॉइंट होता है कि आपने रिव्यू देना होता है क्विकली, ताकि जो आपने पढ़ लिया है या जो आप पढ़ चुके हैं वो आपका दोबारा से रिफ्रेश हो जाए माइंड में. द स्टूडेंट्स टेस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय अटेम्प्टिंग टू रिकॉल द की पॉइंट्स एंड फ्रेजेस इन ईच सेक्शन रीड. इससे क्या होता है कि आपने, हर किसी की हैबिट्स डिफरेंट होती हैं रिकॉलिंग में, रिव्यू में. स्टूडेंट्स अपने आप को टेस्ट तब कर सकते हैं जब वो रिकॉल कर सके जो कॉमन फ्रेजेस उसने पढ़े हैं या जो कॉमन की पॉइंट्स उसने पढ़े और दोबारा से उसको रीड कर रहा है क्विकली. असेस ओरिजिनल क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ हाउ अप्रोप्रिएट दे वर एंड एडजस्टिंग देम फॉर रेवलेंस
relevance, thus increasing understanding and ability to develop appropriate questions. Reflect whether questions have been effectively answered with the relevant evidence. Go back to the sections where questions aren't clearly answered or look to the other sources if need to be. ये सेम वही है जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हैं कि आपको क्लियर नहीं है, तो वापस जाएं और उस सेक्शन पे जाएं और क्लियर करें जो आपका क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया है. अगर वो क्वेश्चन किसी और वे से नहीं सॉल्व हो रहा तो और सोर्सेज खुद से इंगेज करें ताकि वो आपके जो माइंड में एक हर्डल आया है वो क्लियर हो जाए. ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिव्यू इन अ मीनिंगफुल वे विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन relating information in each segment. This is those summaries, diagrams such as flow charts, graphs, pictures, tables for easy comparisons. अब ये कुछ techniques बताई हैं उन्होंने जब आप review दे रहे हैं पूरा, तो ये सारी informations जो हैं वो review होके इस position में आ सकती हैं कि आप summaries भी बना सकते हैं, आप diagram की shape में भी बना सकते हैं, flow charts होते हैं, graphs, pictures, tables. इस इन सारों से क्या होता है कि आपका जो कंपैरिजन है, जो आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डिग्री ऑफ लर्निंग है, वो ज़्यादा बढ़ती जाती है. रिव्यूइंग रिपीटली इन एंड इन अ डिफरेंट वेज इन्हांसेस रिटेंशन ऑफ द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल एंड एप्लीकेशन. इससे क्या होता है कि आपकी ये जो सारी रिव्यूइंग की जो एबिलिटी है, जितना जितना ज़्यादा आप रिपीट करते जाते हैं, आपकी रिटेंशन इन्हांस होती है, रिटेंशन ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि आप बाद में दोबारा से एप्लीकेशन की फॉर्म में या आप उसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं. देयर कम्स को फैक्टर्स ऑफ SQ3 आर एंजाइम. लाइक के को फैक्टर्स मीन्स रेलिवेंट चीज़ें किस तरह इस प्रोसेस में वर्कआउट करेंगी. प्रीविंग स्कैनिंग स्कीमिंग जिस तरह हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि इसमें किस तरह आप दोबारा से डिवेलप कर सकते हैं थ्रू SQ3R प्रोसेस. प्रीविंग मीन्स लर्निंग अबाउट द टेक्स्ट टू गेट द सेंस ऑफ वट द टेक्स्ट इज अबाउट एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज बिफोर रीडिंग इट क्लोजली बाय सीइंग. ये सब कुछ आपका ओवरव्यू जस्ट आई रनिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि जब आप अपनी आंखें दौड़ाते हैं उस पूरे टेक्स्ट पे तो आप जजमेंट करने लग जाते हैं, आप सेंस ले लेते हैं कि ये टेक्स्ट किस तरह का हो सकता है या इस टेक्स्ट को किस तरह ऑर्गेनाइज किया है. तो ये आपकी प्रीविंग एबिलिटी को भी इन्हांस करता है, मीन्स जजमेंट हो जाते हैं आप टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रीडिंग सेगमेंट. अदर को फैक्टर्स ऑफ SQ3R आर पैराफ्रेजिंग एंड समराइज. पैराफ्रेजिंग मीन्स कि आप एक्सप्रेस करते हैं उसी टेक्स्ट को अपने ही वर्ड्स में, मीन्स जिसको हम नरेशन कहते हैं. और इसमें कोई नेसेसिटी नहीं होती कि आपने उस टेक्स्ट को उसी तरह ही कोट करके अपने वर्ड्स में लिखना है. नहीं, जब आप वो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और उसको अपने वर्ड्स में समराइज करते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आपकी पैराफ्रेजिंग एबिलिटी होगी. समराइज मीन शॉर्टनिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग की पॉइंट्स इन दियर ऑर्डर एंड इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ तक ये पूरा आपका एक मेथड कंप्लीट हो गया है SQ3R. ये को इंजाइम फैक्टर्स थे रेलिवेंट टू द SQ3R प्रोसेस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द स्टडी ऑफ SQ3R मेथड.